जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा फार्मिंग पे। दोस्तों, आज जो मेरी रेंट वाली शेड है उस पे हमने ब्रूडिंग एरिया जो है तैयार किया है, और अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारे जो है चिक्स आने वाले हैं अभी कुछ ही टाइम में, क्योंकि रात के 9:30 हो चुके हैं और करीब 10-11 बजे तक हमारा जो है चिक्स फार्म पे पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, हमने जो तैयारी की है उसके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा काफ़ी लंबे टाइम बाद आज हम रूबरू हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, हमने अपना जो ब्रूडिंग एरिया है वो तैयार कर लिया है। यहाँ हमारी दो सेड हैं और मैंने ब्रूडिंग एरिया जो है एक ही सेड में तैयार किया है, क्योंकि मौसम जो है थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, हवा बारिश का जो है ज़्यादा चांस है, तो इसलिए मैंने ब्रूडिंग एरिया एक ही साइड में तैयार कर दिया है। लेकिन यहाँ जो है मैंने पार्टीशन बना दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ, और बीच में ये पूरा बना के मैंने, और बीच में एक जो इसका पार्टीशन दे दिया है ताकि जो आधे चिक्स उधर रहो और आधे इधर, क्योंकि कल को मैंने दूसरे फार्म में भी शिफ्ट करने हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ अपना बना दिया है। इसमें 6 बठियाँ लगाई हैं और ये जो बर्तन लगाए हैं वो मैंने 350 फीटर लगाए हैं, क्योंकि मेरा जो चिक्स है वो 15,500 आएगा। और पानी का जो सिस्टम है वो आप देख पा रहे होंगे कि निप्पल का सिस्टम है। बाकी वीडियो में मैं जैसे हमारा चिक्स आता है मैं आपको चिक्स अनबॉक्सिंग करते हुए भी दिखाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कौन सी कंपनी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। तो चलिए आगे वीडियो में मिलते हैं दोबारा। तो साथियों, अभी आ गए हमारे चिक्स, और आप देख पा रहे होंगे कि हमारे फार्म में जो भाई लोग हैं वो वैक्सीन कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि अब की बार पीछे हैचरी में से जो है वैक्सीन नहीं हुआ था, इसलिए हमने अपने फार्म पे ही वैक्सीन करवाने का निर्णय लिया। और अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे जो चिक्स हैं वो बॉक्स में अभी बंद हैं, और जो भाई लोग वैक्सीन कर रहे हैं साथ ही साथ हम जो है इन चिक्स को अपने फार्म के अंदर ले जाके और अनबॉक्सिंग करेंगे। तो साथियों, मैं बता देता हूँ आपको कि जो अब की बार जो हमने जो अपना चिक्स मंगवाया है वो यूपी से मंगवाया है, बहुत ही बढ़िया चिक्स है, और रेट भी दोस्तों यहाँ से काफ़ी जो है ठीक मिला हमें, ये नहीं कह सकता काफ़ी सस्ता मिला है, लेकिन यहाँ से जो हमारे हरियाणा से वहाँ हमें जो है बहुत बढ़िया रेट में मिला है। यहाँ 42 रुपये था और वहाँ अपना जो है हमें 40 रुपये में चिक्स मिल गया था, और उसमें ये था कि वैक्सीन जो है हमें खुद को करवानी पड़ी, क्योंकि हैचरी वालों ने वैक्सीन नहीं की है, इसलिए हम अपने फार्म पर जैसे ही हमारा चिक्स पहुँचता है हमने वैक्सीन करवा ली है। और वैक्सीन जैसे ही हमारा वैक्सीन होता है उसके बाद हम पूरे चिक्स को हमारे फार्म के अंदर छोड़ देंगे, खोल देंगे। तो देखने में तो दोस्तों काफ़ी अच्छा जो है चिक्स लग रहा है, काफ़ी एक्टिव है, बाकी देखते हैं आगे चल के कि क्या रिजल्ट रहता है चिक्स का। तो अभी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमने जो है अपनी चिक्स को फार्म में छोड़ना शुरू कर दिया है, और इसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है इसमें 2 पार्ट बनाए हैं। ये 2 पार्ट क्यों बनाए वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरी यहाँ 2 शेड हैं, और मौसम ख़राब होने की वजह से मैंने एक ही फार्म के अंदर अपना जो है ब्रूडिंग तैयार कर लिया था। और इसमें जब मैं दूसरे फार्म में शिफ्ट करूँगा तो मेरे को जो है काउंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने इसमें ब्रूड जो अपना 2 पार्टीशन कर दिए हैं, ताकि जिस टाइम मेरे को शिफ्ट करना होगा काउंटिंग ना करनी पड़े, क्योंकि पीछे भी मैंने यही किया था सर्दी में, उस टाइम पर मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी काउंटिंग करने में ना। तो इस बार मैंने बीच में अपना इसको पार्टीशन बना दिया है, और ये पहली बार नहीं है दोस्तों, मेरा 4th बैच है इसमें, और 4 बैचों में मैंने एक ही फार्म में ब्रूडिंग की है, क्योंकि कुछ जो है अपना खर्चा कम हो जाता है, अलग अलग करेंगे तो खर्चा बढ़ेगा, इसलिए मैंने एक ही फार्म में ब्रूडिंग कर देता हूँ। और शिफ्टिंग के टाइम मैं 10 सर्दी में तो 15 दिन के बाद किया था, लेकिन अब गर्मी है तो मेरे को थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा।
तो साथियों, जो अब हमारा नया हम एक फार्म और बना रहे हैं, जैसे ही वो पूरा होता है उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे और आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय कृषि।